सुकरात एथेंस में बुतसाज बाप के घर पैदा हुआ था। कुछ मुद्दतों अपने बाप के पेशा बुतसाजी को इख्तियार किए रखा, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़कर फलसफे के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। उसने जुहद और रियाजत और तहजीब व अखलाक को अपना मशगला बना लिया था और दुनियावी आसाइशों से किनारा कशी इख्तियार करके पहाड़ी कयामगा में मुकीम रहता था। फलसफे की मुख्तलिफ शाखों में से इसने इलाहियात और अखलाकियात को गौर व फिक्र का खास मौजू बनाया। शिरक और बुद्दत परस्ती से लोगों को मना किया करता था। चुनांचे कौम के सरदारों ने उसके खिलाफ आवाम को भड़काया और बादशाह को उसके कत्ल पर मजबूर किया और बादशाह ने उसे जहर का प्याला पिलाकर मौत की नींद सुला दिया। हिकमत और फलसफे में सुकरात का उस्ताद फिशागोरस था। सुकरात कहा करता था कि अल्लाह तबारक व तआला की जात का इदराक हमारी अकल नहीं कर सकती। इसका इलम, कुदरत और हिकमत बे इंतहा है, जिस तक हमारी अकल नहीं पहुँच सकती। सुकरात ने अपनी हिकमत मुकालमों के अंदाज में बयान की है। इसका एक मुबासा जो किसी मुनकर खुदा के साथ हुआ था, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आप सुकरात का मुनकर खुदा के साथ हुआ जो मुबासा था भी जान सकें। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।